बीकानेर से है, जहां पर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट परियोजना की 4 वर्षीय कार्य योजना को लेकर यूआईटी में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अधिकारियों के साथ साथ उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी शिरकत की। बैठक में जिला कलेक्टर विधायक गोविंद राम मेघवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कनिष्क कटारिया समेत बीएसएफ के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद में उच्च शिक्षा मंत्री भाटी ने बताया कि बैठक में 20 करोड़ की कार्य योजना बनाई गई, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पर राशि खर्च की जाएगी, जिससे कि बॉर्डर एरिया में विकास हो पाएगा। देखिए, आज सीमांत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम बीएडीपी की मीटिंग रखी गई और बीएडीपी के तहत हमारे बीकानेर जिले के जो सीमावर्ती गांव हैं, उन गांव का विकास के कार्य करवाने के लिए हमने 4 वर्षीय एक प्लान बनाया है, डेवलपमेंट प्लान, और उसमें करीब 20 करोड़ से भी ज्यादा राशि इन 4 वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्र के करीब 20 गाँव में ये राशि खर्च की जाएगी। उसमें खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से राशि का प्रावधान किया गया है और कोलायत विधानसभा क्षेत्र के गांव के लिए अलग से 20 करोड़। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया